गुड आफ्टरनून एंड वेलकम एवरी वन आई जतन वर्मा यू आर डेली न्यूज एनलिस्ट फॉर यू पी एस सी सिविल सर्विस एग्जाम सो इन टूडेज न्यूज पेपर वी आर गोइंग टू एनालाइज न्यूज रिगार्डिंग दी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड देन वी विल सी वेदर एनपीआर एनआरसी आर लिंक टूगेदर ऑन नॉट दीज आर गोइंग टू बी दर्ड इशू इज आई एम एफ ने इंडिया की जो रेटिंग डाउनग्रेड करी है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज आर्टिकल से सबसे पहले बता फर्स्ट ऑफ ऑल दी मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू गाइज आई विश यू ऑल अ वेरी मेरी क्रिसमस मे दी बी क्लियरिंग योर एग्जाम सिविल सर्विस सिविल सर्विसेज एग्जाम आप क्लियर करें सो आगे बढ़ते हैं न्यूज uh, आर्टिकल्स के साथ में क्विकली कमिंग टू दिस न्यूज आर्टिकल्स ये इनके क्वेश्चन हैं आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा विद रेफरेंस टू एनआरसी

To try to answer these questions, this is from static portion of Indian polity. Right now, coming here, important articles: is government right in denying NPR NRC link? Here is a fact check on official claims about population and citizenship registers. NPR data was first collected in the year 2010. Chief of Defense staff gets cabinet approval. This these three are. This uh, news number one. This is news number two in today's newspaper. Today's newspaper. If you have seen the newspaper uh, at a glance, it's even you would see that there are only three, four important news articles in today's newspaper. Economic revival key to banks' health. So this is the third important news. Then strict governance non-norms for banks soon. So India in the midst of significant slowdown. IMF. Right. So gets. Let's get started. Panel ne. आइडेंटिफाई किया है कि कोस्टल रेगुलेशन कोस्टल रेगुलेशन जोन वॉलेशन हो रही है एलाफूजा में राइट right? तो एलाफूजा जो सिटी है उसमें एंड देन ये स्निपेट फॉर प्रिलिम्स रिलीजन नो बार फ्रॉम फॉर पद्मनुर्स यक्षगना तो इसे थोड़ा सा देखेंगे प्रिलिम्स के लिए अ मल्टी फेथ कमेटी इन दिस कर्नाटका विलेज हैज ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस फॉर 60 इयर्स लेट्स गेट स्टार्टेड

माई जी ओवी डॉट इन जैसी चीजों की क्या रेलिवेंस है फिर? जब मौका पड़ने पर जब जरूरत आने पर आपको राइट नहीं देना है तो क्या फायदा दिस आर्टिकल सेज दैट टेकिंग स्टॉक ऑफ द मल्टीपल बेनिफिट स्टेमिंग आउट ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ लोकल बॉडीज टू ऑल द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व द नीड फॉर स्टर्नर फिक्सिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूटिंग चेक्स इन सिस्टम टू अवॉइड एनी इन द टाइम इज मोर अर्जेंट यानी कि स्ट्रेंथनिंग ग्रास रूट डेमोक्रेसी से लेकर यह चीज है आपको इसमें यह बताना है कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के प्रोविजन है स्टेट फाइनेंस कमीशन के प्रोविजन कौन से अमेंडमेंट एक्ट में दिए गए हैं सेवेंटी थर्ड सेवेंटी फोर्थ या फिर सेवेंटी फिफ्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया है सेवेंटी थर्ड सेवेंटी फोर या सेवेंटी फाइव <coughs> तो ये भी कुछ ज्यादा ज्यादा इसमें नहीं है एडिटोरियल में न्यूज के माध्यम से हम इसे कवर करते रहेंगे नाउ दिस आर्टिकल सेज दैट दो इन लाइन विद नाइट वर्क कन्वेंशन नाइनटीन नाइन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मेनी स्टेट्स हैव द फैक्ट्रीज एक्ट टू रिमूव बोथ द सेक्स सेक्स बेस्ड बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द नाइट वर्क एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस ऑफ वन चॉइस

जो जिम्मेवारी है नाइट शिफ्ट अगर किसी वर्कर्स की लगती है तो नाइट शिफ्ट के दौरान वर्कर्स की जिम्मेदारी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगर फैक्ट्री की मैनेजमेंट को दी जाएगी ऐसे टाइम में जब वर्कर मैनेजमेंट रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं ऐसे टाइम में ये कितना सही रहेगा राइटर उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं राइट तो हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्क कन्वेंशन है अब इंडिया ने ये वर्क कन्वेंशन साइन कर रखा है या नहीं ये आपको बताना है राइट टुडे आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन मे बी इन नेक्स्ट टू और थ्री डेज वी विल बी डूइंग अ बेयर डिस्कशन ऑन लेबर रिफॉर्म्स इन आर कंट्री लेबर रिफॉर्म्स कौन कौन सी स्टेट लिस्ट की एंट्रीज हैं जिसमें लेबर रिफॉर्म दिया गया है स्टेट लिस्ट या कॉन लिस्ट या यूनियन लिस्ट आर्टिकल टू में जो सेवेंथ शेड्यूल में जो लिस्ट दी गई है मैं उनकी बात कर रहा हूँ राइट नाउ पॉलिटी एंड गवर्नेंस रिलेटेड इशूज सबसे पहला मुद्दा इज गवर्नमेंट राइट इन डिनाइंग एनपीआर एनआरसी लिंक विल मतलब ये जो एनपीआर का एनआरसी से कुछ लेना देना है या नहीं गवर्नमेंट का जो क्लेम है एनपीआर इज नॉट द बेसिस ऑफ एनआरसी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज नॉट गोइंग टू बी द बेसिस ऑफ एनआरसी एनपीआर इज इंडीड द बेसिस ऑफ एनआरसी ये हिंदू की जो न्यूज़ टीम है उन्होंने ये फाइंड आउट किया है रीडिंग करके एनआरसी एज सेक्शन 14 ए ऑफ Citizenship Act empowers the government to compulsorily register every citizen of India and issue an identity card <coughs> and to maintain a national register of Indian citizens. The citizenship register is generated out of NPR database. Right, the citizenship registration of citizens and issue of national identity card rules 2003 introduced the term population register.

टर्म पॉपुलेशन रजिस्टर और ये रूल ये कहते हैं कि पर्टिकुल दी पॉपुलेशन रजिस्टर शैल बी वेरीफाइड एंड स्क्रूटिनाइज फॉर दर्पज ऑफ प्रिपरेशन एंड इंक्लूजन इन दी सिटीजनशिप रजिस्टर यानी कि पॉपुलेशन रजिस्टर के जो पर्टिकुलर कलेक्ट करे जाएंगे उन्हें वेरीफाई किया जाए और फिर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में उन्हें जो है इनकोपोरेट किया जाए इन अदर वर्ड्स विदाउट नेशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर न बी नो एनआरसीट्रिक डिटेल फ्रॉम यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब एनपीआर uh, में यूआईडीए से डेटा लिया जाएगा कुछ ऐसा हुआ था जब पी चिदंबरम होम मिनिस्टर हुआ करते थे तब उनके टाइम पे यह हो गया था कि यू आई डी ए आई बनाई गई थी तो उनको इस बात से प्रॉब्लम थी होम मिनिस्ट्री को इस बात से प्रॉब्लम थी कि एक तरफ तो होम मिनिस्ट्री अपना प्रोजेक्ट चलाना चाह रही थी 500 सौ करोड़ रुपए कांग्रेस के टाइम पे दूसरी तरफ उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम उनको ये था कि अगर यू आई काम करेगा तो फिर एनपीआर की क्या जरूरत है तो कहीं एनपीआर की इंपॉर्टेंस कम ना हो जाए यानी कि होम मिनिस्ट्री की इंपॉर्टेंस कम ना हो जाए क्योंकि एनपीआर तो होम मिनिस्ट्री जो है अपडेट करती है उस टाइम पे कैबिनेट की मीटिंग बुला के डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये रास्ता निकाला कि जो डेटा यू का आएगा उसी से एनपीआर की वेरिफिकेशन की जाएगी जो कि बिल्कुल सही था लेकिन जिस हिसाब से आधार बांटा गया है या एनरोलमेंट करी गई है ये आपको भी पता है हमें भी पता है वो फॉल्टी वे से है तो इस वजह से अब सरकार की तो ये मंशा रहेगी कि एनपीआर का डेटा दोबारा से कलेक्ट किया जाए ताकि कुछ लोग एक्सक्लूड हो सके राइट right? आइडेंटिफाई किया जा सके इल्लिगल इमिग्रेंट्स को एक्सरसाइज विल बी कैरिड आउट अक्रॉस कंट्री एक्सेप्ट दी स्टेट ऑफ असम क्योंकि असम में ऑलरेडी एनआरसी एक्सरसाइज हो चुकी है दोज होल्डिंग आधार नॉट रिक्वायर टू गिव बायोमेट्रिक्स फॉर एनपीआर अगेन डुप्लीकेटिंग मतलब डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट क्यों करना है एनपीआर विल हैव बोथ बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स डेमोगी इंक्लूडेड इन नेशनलेशन रजिस्टर डेमोग्राफिक पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं कि आप कहाँ रहते हो पासपोर्ट गवर्नमेंट जॉब एटसेट्रा एटसेट्रा टू बी कंडक्टेड फ्रॉम अप्रिल्वेंटी ट्वेंटी टू सेप्टेम्बर थर्टी ये एक्सरसाइज कंक्लूड करी जाएगी एनपीआर को अपडेट करने की तो पहले ही जो हमने प्रॉब्लम uh, सॉल्व करी वो ये है कि एनपीआर और एनआरसी में एक रिलेशनशिप है ये yes. सेक्शन फोर्टीन ए ऑफ सिटीजनशिप एक्ट यानी कि हमें सिर्फ प्रिलिम्स के लिए ये याद रखना है सिटीजनशिप एक्ट इज ऑफ सी राइट देन नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नीडेड एनपीआर विल बी एक्सरसाइज विल सीक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ यूज रेजिडेंट्स मदर एंड फादर एज वेल एज हिज और हर आइडेंटिटी डिटेल्स लाइक आधार पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस एंड वोटर आई डिटेल्स विल बी वॉल्ट्री पैन डिटेल्स पैन कार्ड जो है इनकम टैक्स वाला नंबर वो जरूरी नहीं होगा कि मांगा जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा नो बायोमेट्रिक्स विल बी कलेक्टेड ड्यूरिंग नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर दो द सेम कैन बी सोज फ्रॉम यू आई डी ए आई यानी कि जो आधार अथॉरिटी के पास में डेटा है वहां से डेटा ले लिया जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी सरकार को तो एनपीआर वॉज लॉस्ट लास्ट प्रिपेयर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वॉज लास्ट प्रिपेयर टेन अलॉन्ग विथ सेंस टू थाउजेंड इलेवन फॉलोड बाई एन अपडेशन इन टू थाउजेंड एंडे ऐसा लगता है पर्सनली कि सरकार को नेशनल पॉपुलेशन ऑनप्लॉय नेशनल रजिस्टर ऑन एम्प्लॉयमेंट बनाना चाहिए राइट नेशनल रजिस्टर की इकोनॉमी में क्या चल रहा है यह सब चीजों पर ज्यादा फोकस होना चाहिए एनर्जीज जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की ब्यूरोक्रेसी की पॉलिसी मेकर थिंक टैंक की, की नीति आयोग की उस काम में ज्यादा लगाई जाए इस काम से क्योंकि अभी समय की जरूरत यह है जैसा हमने देखा आईएमएफ ने यह कहा है कि सरकार उतना नहीं दे रही है रिसेशन से रिकवर करने के लिए जितना जरूरत है एनपीआर एनपीआर विल विल नॉट नॉट बी बी फॉलोड फॉलोड बाय बाय एनआरसी एनआरसी अपॉन इट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट डेटाबेस npr authority responsible registrar general and census commissioner of india national population register kerala right data to be collected name of the person relationship to the head of the family mother father date of birth marital status place of birth nationality as declared present address etc etc right <coughs> now the act says

Every person born after 3rd December 2004 who has both, both parents as citizens of India, or one parent was an Indian citizen at the time of birth of the child, and the other is not an illegal migrant. <coughs> now, no person of Indian origin born outside India on or after 3rd December 2004 is a citizen by descent.

यानी कि अगर कोई इंडियन पेरेंट्स हैं जो यूएसए में रह रहे हैं उनके बच्चे के जन्म होने के एक साल के अंदर अंदर इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन के साथ यूएसए में रजिस्टर नहीं करवाया तो उस बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप बाय डिसेंट नहीं मिल पाएगी राइट सेंटर इज ऑल्सो मैंडेटेड बाय द रूल्स टू कैरी आउट अ हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन हाउस टू हाउस डोर टू डोर सर्वे जिसे हम बोलते हैं एंड कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू एवरी इंडिविजुअल एंड फैमिली इंक्लूडिंग सिटीजनशिप स्टेटस

गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट अब ये अलग बात है कि एनपीआर एक्सरसाइज के लिए वही गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स में या जो और सरकारी विभागों में टीचर्स हैं या कोई और काम कर रहे हैं उनको डेपेशन पे लिया जाएगा तो वेलफेयर स्कीम्स की डिलीवरी थोड़े टाइम के लिए तो इनिशियंट हो जाएगी राइट right? उसके बाद शायद स्ट्रीमलाइन हो जाए शायदेक्टिव ऑफ एनपीआर बट विद आधार बींग इंट्रोड्यूसड

वेलफेयर स्कीम्स मनरेगा या बाकी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन एक्ट बाकी के एक्ट्स के लिए आप जब आधार यूज कर ले रहे हो कर सकते हो तो फिर एन क्यों कर रहे हो कभी कभी ये ख्याल आता है कि वो बोलते हैं ना बेकार आदमी कुछ किया कर सिले कपड़े उधेड़ के फिर से सिया कर अब अगर काम अच्छे से चल रहा है आधार से आधार में आपने पेनिट्रेशन भी बढ़ाया 98 एट परसेंट पेनीट्रेशन हो चुका है क्यों ना आधार को और ज्यादा परफेक्ट किया जाए राइट right, बात पे ध्यान देना अब एनपीआर बनाओगे फिर रीवैलिडेट करोगे फिर सब कुछ करोगे तो उससे हो क्या जाएगा ना आधार ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट था नथिंग uh, कुछ ऐसा कि लिखने लाइक नाउ यूनियन होम मिनिस्ट्रीज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर प्रोजेक्ट ऑल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया अबव 18 will get resident identity card after the registrar general of india collects their biometric data right now npr data was first collected in 2010 data for npr was first collected in 2010 and west bengal uh, was one of the five states that used the requisite information for planning various beneficiary schemes other states which used npr data collected by एनपीआर डेटा कौन कलेक्ट करता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ओके, वेस्ट बंगाल एंड डिक्लाइन टू रजिस्टर इन मिडल ऑफ दिहेंशन दैट इट विल बी फॉलोड बाय एन राइट इसीलिए गवर्नमेंट ये डिनाई कर रही है कि एनपीआर का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है सीनियर गवर्नमेंट सेड मतलब जिनको एनपीआर का आईडी कार्ड नहीं मिलेगा उनको एनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा अब उनको एनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा तो फिर उन्हें देश से निकाला जा सकता है यह भी हो सकता है राइट एनपीआर बाई सीडिंग इट विद बायोमेट्रिक डिटेल्स ऑफ आधार यानी कि आधार डिटेल्स को एनपीआर के लिए लिंक किया गया था डेटा अंडर एनपीआर वॉज कलेक्टेड थ्रू डोर टू डोर एन्यूमरेशन अंडर वेरियस कैटेगरीज लाइक एज जो हमने देख लिया एज प्लेस ऑफ बर्थ नेशनैलिटी एक्सेट्रा જોધિ ગવર્નમેન્ટ ડિનાઇઝ ધેટ ધેર વોઝ એની લિંક બીટવીન એનપીઆર ગવર્નમેન્ટ તો યે સીરિયસ સે મના કર રહી હે કે એનપીઆર ઓર એનઆરસી કે બીચ મે કોઈ લિંક નહીં હે લેકિન જૈસા હમણે દેખા 2003 કે જો રૂલ્સ હે સિટીઝનશિપ એક્ટ 1955 કે વો યે કહેતે હે કે એનઆરસી વિલ બી પ્રિપેર્ડ એટ ધ લોકલ ડિસ્ટ્રિક્ટ સ્ટેટ એન્ડ નેશનલ લેવલ આફ્ટર વેરીફાઈંગ ધ ડિટેલ્સ ઇન એનપીઆર ઓર સાથમે યે ભી કહા જા રહા હે સોશિયો ઇકોનોમિક કાસ્ટ સેન્સસ ઇઝ બેસ્ડ ઓન એનપીઆર ડેટા હાઉસ હોલ્ડ વાઇઝ डेटा इन बेटर टारगेटिंग ऑफ सच एस भारत नाउ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जा रहा है आप लोगों ने करगिल मूवी देखी होगी तो करगिल मूवी में क्या होता है आर्मी और एयरफोर्स के रेस्पॉन्स में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता क्योंकि एयरफोर्स के पास में जो मिग विमान होते हैं मिग एयरफोर्स जेट्स रहते हैं जो वो रात में नहीं उड़ पाते राइट इसी वजह से कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजिशन बनाई जा रही है उसमें क्या होगा एक जॉइंट कमांड सेंटर होगा जिसमें कि आर्मी नेवी और एयरफोर्स क्या कर रही है आर्मी नेवी और एयरफोर्स कैसे कैसे इन तीनों में सिनर्जीज बिठाई जाएंगी वॉर के दौरान यह तय किया जाएगा इसका फायदा यह होने जा रहा है और इसका दूसरा फायदा यह होने जा रहा है कि आर्मी भी जैसे कि हेलीकॉप्टर्स की डिमांड करती रहती है आर्मी ये कहती है कि जब कभी हम एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर्स की मदद मांगते हैं तो एयरफोर्स अवेलेबल नहीं करवा पाती इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम तो अब क्या होगा ये CDS के अंडर तीनों तीनों जो कमांड्स हैं हमारी तीनों इनकी बैक एंड कॉल पर रहेंगी इससे डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेवी जो है अलग से एयर एयरक्राफ्ट नहीं मांगेगी आर्मी जो है अलग से एयरक्राफ्ट नहीं मांगेगी और एयरफोर्स जो है उनको अलग से नेवल शिप्स नहीं चाहिए होंगे राइट ये छोटे फायदे हैं बड़ा फायदा ये है कि जंग के टाइम पे कोऑर्डिनेशन बेटर होगा और ये भी कहा गया है कि सी डी एस अब आरटीआई के अंडर आएगा इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट टू थाउजेंड फाइव दर्मड फोर्सेज विल बी ब्रॉट अंडर द दिट डीएमए एंड विल डील विद रिलेटिंग टू थ्री सर्विसेज एंड प्रोक्योरमेंट एक्सक्लूसिव टू सर्विसेज एक्सेप्ट कैपिटल एक्विजेशन एक्सक्लूसिवली सर्विसेज के लिए होगा एक्सेप्ट कैपिटल इंक्लूड ब्रिंगिंग अबाउट ज्वाइंटनेस इन देशन लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग सपोर्ट सर्विस कॉम्युनिकेशन रिपेयर एंड मेंस सो दैट दीज थ्री ऑर्गन आर नॉट वर्किंग इन सीलोज वॉटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं बल्कि कोऑर्डिनेशन के माहौल में काम हो सके तो सी डी एस विल एक्ट एज प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन मैटर्स एक्सक्लूसिवली कंसर्निंग सर्विसेज तो अब यानी कि ये है कि डिफेंस मिनिस्टर तक जो एक्सेस है वो सी डी एस का रहेगा इनका एक्सेस थोड़ा डॉटेड हो जाएगा कम हो जाएगा मतलब समझ रहे हो यानी कि डिफेंस मिनिस्टर तक अभी ये तीनों चीफ जो है दिखाना चाहेंगे वही दिखाएंगे राइट इनको इंडिविजुअल एक्सेस नहीं होगा तो ये अच्छा भी है सीडीएस वुड नॉट एक्सरसाइज एनी मिलिट्री कमांड इंक्लूडिंग ओवर दी सर्विस चीफ मेजर टास्क ऑफ सीडीएस का मिलिट्री कमांड के ऊपर कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस या कुछ ऐसा कमांड नहीं रहेगा टास्क ऑफ सीडीएस इज टू ब्रिंग अबाउटी एजनेंट चेयरमैन सीओ एस सी द सी डी एस वुड एडमिस्ट्रेड ट्राइल सर्विसेस ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज एंड कमांड्स रिलेटेड टू साइबर एंड स्पेस सीडीएस विल ऑल्सो बी अम्बर ऑफ डिफेंस एक्विजेशन काउंसिल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के हेड कौन होते हैं ये आप बताओगे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं राइट एंड डिफेंस प्लानिंग कमेटी चेयर बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो ये यहां से प्रिलिम्स के लिए नोट कर लो आई रिक्वेस्ट द पीपल हु आर रेगुलर टू प्लीज साइट दिस इन दमेंट सेक्शन कि डिफेंस प्लानिंग कमेटी के जो चीफ रहते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहते हैं और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के जो चीफ हैं वो डिफेंस मिनिस्टर हैं In the strategic domain, CDS would function as military advisor to nuclear command authority, chaired by the Prime Minister. Optimizing procurements and training will be a major area of responsibility of the CDS. Apart from implementing the long-term capital acquisition plans, the functions of CDS include to assign inter-services prioritization to capital acquisition proposals, based on the anticipated budget. To so missing the big picture, इंडिया इज स्ट्रगलिंग विद दैक ऑफ अ रोडमैप प्लानिंग एक्सपर्टीज एंड मेजर डिफेंस रिफॉर्म नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी स्टेटस क्या है येट टू बी इंप्लीमेंटेड येट टू बी कंप्लीटेड दो दी गवर्नमेंट इज बिलीव टू बी वर्किंग ऑन ड्राफ्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी राइट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नॉट अपॉइंटेड डिस्पाइट रिकमेंडेशन बाई अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इन टू थाउजेंड टेन तीसरी बड़ी बात इंटेग्रेटिंग दी आर्म्ड फोर्सेज इन टू थियेटर कमांड्स स्टेटस कमेटी ने यह कहा था क्रिएटिंग थ्री इंटीग्रेटेड कमांड्स टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग 17 सेपरेट कमांड्स यानी कि आर्मी की जो नॉर्दर्न कमांड है वेस्टर्न कमांड है ईस्टर्न है सदर्न है सेंट्रल है उनको मर्ज करना चाहिए और इंटीग्रेटेड कमांड्स बनानी चाहिए राइट येट टू बी इंप्लीमेंटेड इसका एक नुकसान भी होगा थिएटर कमांड का देखो एक छोटी सी चीज बता रहा हूं 2011 में ये रिपोर्ट आई थी कि ये अगर न्यू दिल्ली है तो न्यू दिल्ली की तरफ जो उस समय के जो आर्मी जनरल थे जनरल वी के सिंह वो दो तीन कमांड्स को उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि न्यू दिल्ली की तरफ आगे प्रस्थान कीजिए राइट right? तो हुई कि ये न्यू दिल्ली की तरफ फोर्सेस क्यों आ रही हैं ये आशंका तक जताई गई कि शायद आर्मी कूप करने वाली है क्योंकि उस समय 2011 में सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा एलिगेशन ऑफ करप्शन लग रहे थे और ये सब राइट right? तो अगर उस समय जन जनरल आर्मी वी के सिंह के वी के, के सिंह से ये पूछा गया कि क्या कुछ ऐसा था तो उन्होंने बहुत अच्छे से कहा दीज आर फेबल्स ऑफ सिक माइंड यानी कि ये एक बीमार दिमाग के ख्याल ख्याली पुलाव हैं यानी कि सर उन्होंने डिनाई कर दिया था लेकिन मूड क्वेश्चन ये है कि आर्मी की कुछ कमांड्स को आर्मी जनरल ने न्यू डेली की तरफ मोबिलाइज करने को क्यों कहा ऐसा तब हुआ जब सेवनटीन सेपरेट कमांड्स थी और हैं अगर थिएटर कमांड हो जाएंगी तो क्या ऐसे खतरे नहीं हो सकते इवन दो हमारी इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है लेकिन उस समय अगर ये पैदा हुआ था सिविल गवर्नमेंट के दिमाग में तो आगे ये और चीजें बढ़ सकती हैं शिकत कर कमेटी की रिकमेंडेशंस इसीलिए शायद शायद इंप्लीमेंट नहीं करी गई डिफेंस प्लानिंग टू हार्मोनाइज बजट स्पेंडिंग प्रायोरिटी स्टेटस डिफेंस प्लानिंग कमेटी

सिंगल सर्विस कमांड्स ओनली टू यूनिफाइड कमांड्स अंडेमान एंड निकोबार एंड स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड यूनिफाइड कमांड बनाने की बात हो रही है राइट थिएटर थिएटर कमांड्स कमांड्स आर इफेक्टिव सेव एंड प्रिपेयर कमांड फॉर कमांड्सिटेड लैंड एयर सी ऑपरेशन तो अगर हम अपने नेबरहुड का सीनारियो देखें तो थिएटर कमांड्स की बहुत उसमें फायदा रहेगा राइट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स रहेंगे तो आर्मी के सेवन हो जाएंगे आईएएफ के सेवन नेवी के थ्री राइट right? ओवरऑल ऑफ वर्किंग ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फिफ्टी लैब्स फोर डिफेंस शिप यार्ड बनाने की जरूरत है फाइव डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और फोर्टी वन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो ये राइफल एक्सेट्रा या बारूद गोला बारूद बनाए जाते हैं वी नीड टू बॉल्सर डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस बाय गेटिंग प्राइवेट सेक्टर इन डिफेंस प्रोडक्शन इन बिग वे इसके लिए आप यह बताएंगे कि डिफेंस में एफ लिमिट क्या है कॉमेंट सेक्शन में आपको यह ढूंढ के बताना है इंटीग्रेट सर्विस हेडक्वार्टर्स विद डिफेंस मिनिस्ट्री सर्विसेज के जो हेडक्वार्टर्स हैं उसको डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ में इंटीग्रेट करने की जरूरत है पोस्ट मिलिट्री ऑफिसर्स एज डायरेक्टर्स और ज्वाइंट सेक्रेटरीज आई ए एस ऑफिसर्स नहीं बल्कि मिलिट्री ऑफिसर्स होने चाहिए ताकि वो बेटर वे में चीजों को समझ सकें स्लैश दम प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स यानी कि अगर आदमी को कुछ खरीदना है तो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर ऐसा नहीं है कि कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास वो मैटर जाएगा आर्मी के पास में छोटा मोटी चीजें खरीदने का अप टू अ लिमिट ऑफ लेट्स हंड्रेड करोड़ टू हंड्रेड करोड़ आर्मी के पास में ये पावर्स आर्म फोर्सेस के पास में ये पावर्स होनी चाहिए लेकिन हमारी कंट्री में इतिहास थोड़ा बुरा है यहाँ पे बोफोर स्कैम कॉफिन स्कैम इसकी वजह से शायद पॉलिटिकल लेवल पॉलिटिको एग्जीक्यूटिव लेवल से अप्रूवल चाहिए होता है राइट लिस्ट ऑफ कंट्रीज जहां पे की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑलरेडी बनाई गई है तो आज ये था इसका थ्रेड बेयर एनालिसिस मेरा काम सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं है जगह जगह से ये चीजें इकट्ठी करके आपके सामने लेके आना है ताकि हम इन्हें एनालाइज कर सकें अच्छे से ना इकोनॉमी एंड इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज इकोनॉमिक रिवाइवल की टू की टू बैंक हेल्थ एक नजर आपके कॉमेंट्स पर डाल लेते हैं इन द मीन टाइम वाइल्ड द इंडियन बैंकिंग सेक्टर्स फिनेंशियल पैरामीटर्स

A report on trends, trend and progress of banking in India 2018-19. Right now, the health of the banking sector hinges around a turnaround in macroeconomic conditions, and the growth slowdown of the country intensified with GDP growth for the second quarter of the current financial year dipping to a six-year low of 4.5%. The report noted that during 2018-19 the asset quality of scheduled commercial banks turned around after a gap of seven years, with overhang of stressed assets declining and fresh slippages arrested. as a result of declining provisioning requirement, banking sector result, returned to profitability in the first half of 2019-2020. besides, recapitalization had helped public sector banks in shoring up their capital ratios. <coughs> Despite the improvement in some of the parameters the risk averse nature among the lenders was worrisome to बावजूद इसके कि कुछ कुछ पैरामीटर्स जो है इंप्रूव हो रहे हैं रिटेल क्रेडिट ज्यादा बढ़ रहा है रिटेल क्रेडिट कार लोन वगैरह लिए जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी रिस्क एवर्स नेचर बैंक्स अभी भी लेंडिंग देने में बैंक्स अभी भी लोन देने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं राइट ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रम उन सब के चलते क्रेडिट स्लोडाउन

शोडअअप ड्यू टू रिकलाइजेशन बाय द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ने बैंकों में पूंजी निवेश किया है गवर्नमेंट ने बैंक में कैपिटल री इन्वेस्ट किया है ताकि बैंक की जो कैपिटल एडुक्सी रेशो है बैसे ऑप्टिम लेवल पे रिक्वायर्ड लेवल पे लाया जा सके एसेड क्वालिटी ऑफ स्केड कमर्शियल बैंक टर्नस अराउंड आफ्टर सेवन ईयर्स तो ये सरकार ने अच्छा काम किया है इसमें ना सेक्टर रिटर्न बैंकिंग सेक्टर रिटर्न टू प्रॉफिटेबिलिटी ऑन डिक्लाइनिंग प्रोविजन नीड इन फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर अप्रैल से सितंबर का जो पीरियड था सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है ओवरऑल वो अलग बात है कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक एस ने लॉस प्रॉफिट किया लॉस जो है पोस्ट किया है रिकैपिटलाइजेशन हेल्प पब्लिक सेक्टर बैंक शोर अप कैपिटल रेशोज तो उनकी जो कैपिटल टू रिस्क रेशोज हैं डेट रेशोज हैं वो इंप्रूव हुई हैं बैंक्स की capital infused by the government in public sector banks just enough to meet the regulatory minimum of 9% as per Basel 3 norms right Basel 3 norms clear public sector banks financial health must be assessed by ability to access capital markets now the report observed that capital infusion क्टर रिक्वायरमेंट तो में कवर किया है ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताओगे मीनिंग ऑफ ऑपरेशन ट्विस्ट ऑपरेशन ट्विस्ट का मतलब क्या है यह आप बताएंगे क्लियर

the quality of corporate governance on efficiency in allocation of financial resources as well as the impact of good quality corporate governance on financial stability. rbi is in the process of, in response, rbi is in the process of issuing draft guidelines on corporate governance for regulated entities. the objective of these guidelines is to align the current regulatory framework with ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस वाइल बींग माइंडफुल ऑफ दोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम की पेक्यूलियरिटीज को ध्यान में रखते हुए यह किया जाएगा क्लियर नाउ कॉमेंटिंग ऑन द इश्यू ऑफ कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव बैंक द बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने कहा गिवन देअर वॉज अप्रेसिंग नीड फॉर एन अम्बरेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर विच कैन प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड कैपिटल सपोर्ट टू मेंबर बैंक

ज्यादा देर तक चला तो वह स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी के लिए विद रिस्क टू आउटलुक टू जो इंडियन इकोनॉमी पे जो आई की आउटलुक है वो डाउन साइड की तरफ ज्यादा उसका झुकाव है आई के डायरेक्टर्स का ये कहना है कॉन्टिन्यू साउंड माइक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की जरूरत है इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ इन क्वार्टर ऑफ दिस केम इन एट सिक्स ईयर लो ऑफ फोर पॉइंट फाइव परसेंट और इस ग्रोथ की जो कॉम्पिट जो जो कॉम्पोजिशन है एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग और ये सब कॉम्पोजिशन ये बताती है कि प्राइवेट डोमेस्टिक डिमांड एक्सपैंडेड बाय ओनली वन परसेंट प्राइवेट डोमेस्टिक डिमांड का गिरना इसके लिए सरकार को इनकम बढ़ाने की जरूरत है रूरल इंडिया में रह रहे लोगों की या अर्बन इंडिया में रह रहे लोगों की इनकम बनाने की जरूरत है मोस्ट हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो ग्रोथ के लिए ध्यान में रखे जाते हैं वो ये बताते हैं कि वीक इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज मंथ ऑफ दिस कैन बी टू अब्रप्ट रिडक्शन इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्रेडिट एक्सपेंशन एंड दी एसोसिएटेड ब्रॉड बेस्ड टाइटनिंग ऑफ क्रेडिट कंडीशन राइट तो अब लास्ट में देखें वीक इनकम ग्रोथ स्पेशली रूरल हैज बीन अफेक्टिंग प्राइवेट कंजम्शन तो पिछले दिनों मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ने मनरेगा वेजेस को सीपीआई फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर से लिंक किया है उससे क्या होगा कि गरीब आदमी जो रूरल इंडिया में रह रहे हैं मनरेगा के अंडर काम ले रहे हैं उनका वेतन उनकी सैलरी उनकी वेजेस बढ़ेंगी अगर उनकी वेजेस बढ़ेंगी तो वो ज्यादा खरीदारी करेंगे ये सिर्फ एक कदम लिया है सरकार ने ऐसे दस और कदम लेने की जरूरत है ताकि इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके राइट

स्पेशल डिस्काउंट पाने के लिए जतिन वाई टी सेवेंटी वन ये सिर्फ ये जो कोड है सिर्फ ट्वेंटी सेवेंबर तक वैलिड है जतिन वाई टी सेवेंटी वन ठीक वाई टी मतलब यूट्यूब राइट right? तो जतिन वाई टी सेवेंटी वन से आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा कोस्टल डिस्ट्रिक्ट कमेटी हैज आइडेंटिफाइड एज एज मेनी है इन कोस्टल रेगुलेशन जोन तो आज ही हमने इसका फैक्चुअल कवरेज करा है तो इसे सिर्फ पढ़ने का कोई फायदा होगा नहीं कल हम क्या करेंगे कि कोस्टल रेगुलेशन जोन में क्या क्या कहा गया है उसे थोड़ा सा स्टडी करेंगे इसी न्यूज आर्टिकल के साथ में राइट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इस पर तो आप आंसर करेंगे इन दी कॉमेंट सेक्शन प्लीज स्निपेट फॉर प्रिलिम्स के न्यूज पेपर में न्यूज uh, एनालिसिस में डेफिनेटली इसे कवर करेंगे थोड़ा सा ये इंडियन एक्सप्रेस से कुछ कुछ चीजें आज रह गई हैं ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम एबल टू कवर वैसे ये खुद पढ़ने वाली चीजें हैं सिंपल राइट right. तो थोड़ा सा इन्हें पढ़ लीजिएगा स्क्रीन आप अभी ले सकते हैं यहां सेट वीडियो <coughs> so right. या फिर ये एडिटोरियल जो है इसको आप खुद से पढ़ लें प्लीज राइट सो दिस all ऑल in इन daily डेली न्यूज Thank थैंक यू बाय Have a pleasant day. Merry Christmas to all of you guys. Thank you.